रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में पहली बार 200 रुपए के नए नोट बाजार में उतारने जा रहा है। आरबीआई ने इस नए नोट का लुक और डिजाइन भी जारी कर दिया है। ये नोट कल से रिजर्व बैंक की शाखाओं और देश के सभी एटीएम में उपलब्ध होंगे। देश में पहली बार 200 रुपए का नोट शुक्रवार को जारी होने जा रहा है, ये जानकारी रिजर्व बैंक ने साझा की है। इससे पहले बुधवार को ही इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि माना ये जा रहा था कि ये नया नोट सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी होगा, लेकिन शुक्रवार को पहली बार देश में 100 और 500 रुपए के बीच का कोई नोट जारी होगा। इसका मतलब ये है कि शुक्रवार से पूरे देश के सभी बैंकों और एटीएम में ये नोट मिलना शुरू हो जाएगा। इस नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नोट की लंबाई 146 मिलीमीटर और चौड़ाई 66 मिलीमीटर है। नए नोट में भी सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा दृष्टि बाधितों के लिए भी इसमें सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही नोट का बेस कलर ब्राइट येलो है। नोट पर अंग्रेजी और देवनागरी लिपि में 200 लिखा है और नोट के आगे गांधी जी की तस्वीर भी बनी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 200 रुपए के नोट लाने का मकसद बिना टैक्स दिए कैश रखने वाले लोगों पर शिकंजा कसना और काले धन को रोकना है। माना जा रहा है कि 200 रुपए का नोट आने के बाद लोगों को 2000 रुपए के नोट की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।